How are you? How are you? Don't you feel boring the top using only how are you? Are you okay here? Guys, in today's video, I'm gonna tell you different ways to say how are you. At least I will tell you today in this video, 20 से ज़्यादा ऐसे मैं आपको ways बताऊँगा जिससे आप how are you use करेंगे. सिर्फ हमें how are you, ये क्या है? आपको मैं ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा आज शायद आपको पते होंगे इस वीडियो में. चलिए देखते हैं इस वीडियो को इन तक और देखते हैं ये वीडियो इन तक ताकि आप समझ पाएं सभी तरीके 20 से ज़्यादा तरीके हाउ आर यू कहने के. चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हाउ आर यू, जो नॉर्मल वेज होता है जो हम यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हाउ आर यू या बोलते हैं हाउ आर यू या बोलेंगे हाउ आर यू, इस तरीके से हम बोल सकते हैं. क्लियर. हमारे पास नेक्स्ट वेज होता है जिसको कहते हैं हाउ डू यू डू. क्या बोलते हैं? हाउ डू यू डू. तो हाउ डू यू डू का मतलब होता है आप कैसे हो. जब किसी लाइफ में फर्स्ट टाइम मिलते हो तो हाउ डू यू डू का यूज करते हैं, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं हाउ डेयर डू. क्योंकि डू यू को बोलते हैं डेयर, तो बोलेंगे हाउ डेयर डू. कैसे बोलते हैं? हाउ डेयर डू. एंड इसको क्या बोलते हैं? एक शॉर्ट तरीका होता है जिसको बोलते हैं हाउ डी. क्या बोलते हैं? हाउ डी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट प्लीज, हमारे पास नेक्स्ट है जिसको कहते हैं हाउ आर यू डूइंग. हाउ आर यू डूइंग का मतलब जब कोई वर्क कर रहा होता है एट द टाइम ऑफ वर्किंग हम पूछते हैं आप कैसे हो. क्लियर नॉट? तो कैसे बोलेंगे? हाउ आर यू डूइंग. इसको और अच्छे से बोलना है, बोलेंगे हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, इस तरीके से एकदम अच्छे तरीके से बोलना है. कैसे बोलेंगे? बोलेंगे हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, लाइक दैट. ओके, तो यू कैन स्पीक जस्ट लाइक हाउ आर यू डूइंग, इस तरीके से राइट आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है जिसको कहते हैं, एक है नेक्स्ट कहते हैं हाउ इज इट गोइंग. क्या बोलते हैं? हाउ इज इट गोइंग, इसका मतलब और भाई कैसा चल रहा है, इस तरीके से. और बोल सकते हैं आप हाउ इज इट गोइंग इन लाइफ, जीवन में कैसा चल रहा है, लाइफ में कैसा चल रहा है और बताना सब तो ठीक है, मतलब कैसे हो आप, इस तरीके से आप बोल सकते हो. नेक्स्ट आपके पास है जिसको बोलते हैं बहुत अच्छा सा, जिसको कहते हैं हाउ हैव यू बीन. कैसे बोलते हैं? हाउ हैव यू बीन, इस तरीके से बोलेंगे. इसका मतलब जब व्हेन यू मीट विथ समवन आफ्टर लॉन्ग टाइम एग्जैक्टली, जब काफ़ी लंबे समय के बाद मिले आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एग्जैक्टली एट द टाइम आप यूज क्या करेंगे, आप वहाँ यूज करने वाले हैं हाउ हैव यू बीन. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो दिन के लिए बाहर चला जाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ तो मैं क्या कहूँगा? हाउ हैव यू बीन. इसका मतलब लास्ट टाइम जब मैंने आपको देखा था तब से अभी तक का जो टाइम है, इस बीच आपका मतलब लाइफ कैसा था, उसको बोलते हैं हाउ हैव यू बीन. इसी को एक अलग तरीके से बोलते हैं जिसको बोलते हैं व्हाट हैव यू बीन, 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 इस तरीके से आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट इसी तरीके से एक और होता है जिसको कहते हैं हैव यू बीन अप टू. क्या बोलेंगे? हैव यू बीन अप टू, हैव यू बीन अप टू, इस तरीके से. या बोलेंगे व्हाट हैव यू बीन अप टू, व्हाट हैव यू बीन अप टू, इसका मतलब ये होता है आप कैसे हो, उसी तरीके से. क्लियर. एक और होता है जिसको कहते हैं हाउ हैज इट बीन, हाउज इट बीन, हाउज इट बीन, इस तरीके से लोग बोला करते हैं ऐसे हाउ हैज इट बीन, इस तरीके से बोलते हैं, यानी आप कैसे हो. नेक्स्ट हमारे पास जिसको कहते हैं व्हाट्स न्यू. कैसे बोलेंगे? व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो भाई नया क्या चल रहा है लाइफ में, बस वही सब है कि अभी कुछ नया कर रहे हो आप, तो कैसा हो आप, कुछ नया चल रहा है, तो बोलेंगे व्हाट्स न्यू. या बोलेंगे व्हाट्स न्यू इन लाइफ. क्या बोलेंगे? व्हाट्स न्यू इन ए लाइफ, व्हाट्स न्यू इन ए लाइफ, इस तरीके से बोल देंगे. नेक्स्ट हमारे पास है जिसको कहते हैं एक्चुअली व्हाट्सअप. क्या बोलते हैं? व्हाट्सअप, व्हाट्सअप, क्या होता है? व्हाट्सएप, ये वाला नहीं कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ व्हाट्सअप, 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 ऐसे करके. वो तो व्हाट्सएप होता है, ये है व्हाट्सअप. क्लियर. अब इसी को एक अलग तरीके से बोलते हैं, बोलते हैं एकदम इनफॉर्मल वे में बोलते हैं. कैसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्हाट्सअप, व्हाट्सअप, हे गाय, व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप बेबी, व्हाट्सअप एवरीवन, इस तरीके से हम बोल सकते हैं व्हाट्सअप, इस तरीके से. ऐसी व्हाट्सअप यानी व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या होता है? व्हाट इज गोइंग ऑन यानी आप कैसे, मतलब क्या चल रहा है लाइफ में. तो इसको एक अलग तरीके से कहते हैं, जिसको कहते हैं हे What's aching? ये भी कोई अंग्रेजी है, इस तरीके से बोली जाती है. क्लियर नॉट? ऐसे एक नेक्स्ट हमारे पास है जिसको कहते हैं एक्चुअली हाउ आर थिंग्स. कैसे बोलते हैं? हाउ आर थिंग्स, इसका मतलब और बताइए सब कैसा है. या बोलेंगे हाउ आर थिंग्स इन लाइफ, हाउ आर थिंग्स इन लाइफ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं. या बोलेंगे हाउ आर थिंग्स गोइंग, क्या बोलेंगे? हाउ आर थिंग्स गोइंग. या बोल सकते हैं हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन, वंस अगेन हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन, इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंस वेज होते हैं. एक होता है हाउ स्ट्रिक्स. क्या होता है? हाउ स्ट्रिक्स, ये एक स्लैंग वर्ड होता है बोलने के लिए हाउ आर यू. कैसे बोलेंगे? हाउ स्ट्रिक्स, वंस अगेन हाउ स्ट्रिक्स, हाउ स्ट्रिक्स, हाउ स्ट्रिक्स, हाउ स्ट्रिक्स, प्रैक्टिस करिएगा प्लीज. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास एक होता है जिसको कहते हैं बहुत अच्छा तरीका होता है, नॉर्मल सा सभी लोग जानते हैं, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज एवरीथिंग, यू यूज दैट. ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है हाउ इज एवरीथिंग के अलावा होता है लॉन्ग टाइम नो सी. लंबे समय के बाद नहीं देखा यार, कहाँ थे आप, ठीक तो हो ना आप. कैसे बोलेंगे? लॉन्ग टाइम नाउ सी, वंस अगेन लॉन्ग टाइम नाउ सी, वेयर वर यू मैन, इस तरीके से. या आप बोल सकते हो हाउ इज योर डेज,
आपका दिन कैसा था भाई? कैसे हो आप? और ये खे भाभी जी कैसी हैं? और पड़ोसन कैसे हैं? पड़ोसी कैसी है? इस तरीके से बोलते हैं. कैसे बोलते हैं? हाउ वाज योर डे? इस तरीके से बोलते हैं. क्लियर? हाउ वाज योर डे? क्या बोलेंगे? हाउ वर योर डेज? क्या बोलेंगे? हाउ वाज योर डे? इस तरीके से हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसको बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत खतरनाक और प्यारा सा तरीका होता है, जिसको कहते हैं कुमुस्तास. कुमुस्तास स्पेनिश में बोला जाता है. कैसे? स्पेनिश बोलते हैं कुमुस्तास. क्लियर? और फ्रेंच में बोला जाता है कुमुस्तावा. क्या? कुमुस्तावा. इस तरीके से बोलते हैं कुमुस्तावा. कैसे पढ़ते पता नहीं, बस ऐसे बोल देते क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन पढ़ा. एंड सी बिफोर यू, ऐसे बोलते हैं. नेक्स्ट चाइनीज में कैसे बोलते हैं? चाइनीज बोलते हैं नी हाओ मा. क्या बोलते हैं? नी हाओ मा. चाइनीज में हाउ आर यू को बोलते हैं नी हाओ मा और हेलो को बोलते हैं नी हाओ. क्लियर? इस तरीके से बोला जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है, आप बोल सकते हैं हाउ आर यू होल्डिंग अप. इस तरीके से बोलता है, यानी हाउ आर यू. नेक्स्ट हमारे पास और होता है जिसको कहते हैं हाउ इज योर लाइफ. इस तरीके से या बोलेंगे हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन. इस तरीके से बोल सकते हैं. क्लियर? नॉट नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट प्लीज. एक हमारे पास और था जिसको कहते हैं हाउ इज इट रोलिंग. सो गाइज, हाउ इज दिस वीडियो? इफ यू जस्ट लाइक दिस वन एग्जैक्टली गाइज, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब थिंग्स टू यूट्यूब चैनल फॉर जस्ट मेकिंग yourself a great speaker exactly by other friends. Thank you so much for watching this video. आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वीडियोज को देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको और तरीके चाहिए हावी, अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए अगर आप नया तरीका जानते हैं. थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है कि 20 से ज्यादा ही रहेंगे. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. हैव अ गुड डे. मिलते हैं अगले वीडियो. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.